हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर मोशन। सो चैप्टर मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं साइंस के बारे में और साइंस के ब्रांचेस के बारे में। जो साइंस है, साइंस के अंदर कौन कौन से ब्रांचेस मेनली एग्जिस्ट करती हैं, तो हमारा ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। सो बात करते हैं दोस्तों साइंस के बारे में। द साइंस मीन्स द स्पेशल नॉलेज। साइंस का अर्थ है एक स्पेशल नॉलेज, दैट मीन्स द नॉलेज विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर नॉलेजेस। जो बाकी ज्ञान है उससे एक डिफरेंट तरह का ज्ञान, जो हमें एक स्पेशलिटी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स हम वहाँ पे रीज़न, उसका मोशन के बारे में, उसकी जानकारी, उसके डिटेल, उसके कारण को जान सकते हैं, वो है साइंस। तो साइंस की जब हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं, तो प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ से आती है। इट इज़ डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो इसके अनुसार क्या है, देखिए, सिस्टमेटिक स्टडी, जैसा कि हम देखते हैं कि साइंस का क्या एक सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टडी होती है। दैट मीन्स पहले उसे ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद में उसका प्रूफ किया जाता है, और प्रूफ करने के बाद में ही वो चीज़ डिफाइंड होती है प्रॉपरली। और ये वैसा ही है जैसे हम क्लास वाइज नर्सरी से लेकर के आगे की क्लासेस तक स्टेप वाइज स्टेप स्टडी करते हैं, सेम वैसा ही सिस्टमेटिक स्टडी है साइंस का भी। और ये कैसे स्टडी है, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। कैसे बिहेवियर, स्ट्रक्चर, बात करते हैं स्ट्रक्चर की। जो जितना भी आधारभूत ढांचा है साइंस का, उसकी स्टडी, जितने भी आप देखते हैं जो साइंस बेसिस पे थिंग्स हैं। फिर बात करते हैं बिहेवियर, बिहेवियर क्या है, जैसे केमिकल बिहेवियर है, कौन सा केमिकल एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, उसके बारे में जो स्टडी है वो केमिकल बिहेवियर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, वहाँ से स्टडी करता है। फिर बात करते हैं फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड मीन्स जहाँ हम फिजिकली देखते हैं, फिजिक्स को स्टडी करते हैं, वहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड की बात होती है, जहाँ पे नेचुरल फिनोमिनाज को देखा जाता है, लाइटनिंग है, थंडरिंग है, अर्थक्वेक्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मोशंस हैं, टाइम, एक्सेलरेशन, इन सारी टर्म्स के बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं। फिर बात करते हैं नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड मीन्स जो हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ प्राकृतिक संसार, नेचुरल वर्ल्ड, जहाँ हम लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स सारों की स्टडी कर पाते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, वही है साइंस। अब बात करते हैं साइंस की मेन ब्रांचेस के बारे में। साइंस की मेन रूप से थ्री ब्रांचेस हैं। फर्स्ट है केमिस्ट्री, सेकंड है फिजिक्स, थर्ड है बायोलॉजी। अब बात करते हैं आगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ फिजिक्स के बारे में करने वाले हैं, बिकॉज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो लेक्चर हमारा बेस्ड है, वो फिजिक्स पे ही है। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच कैन डील विद स्टडी ऑफ नेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है, ये किसकी ब्रांच है, साइंस की एक फर्दर ब्रांच है। विच कैन डील विद स्टडी ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति के साथ, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट मीन्स एटम, मॉलिक्यूल्स, और इनकी स्टडी, एंड एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसमिशन, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो है फिजिक्स है। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में। फिजिक्स इज मेजरली डिवाइडेड इनटू फोर ब्रांचेस। द फर्स्ट इज मैकेनिक्स, सेकंड इज ऑप्टिक्स, थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड द फोर्थ वन इज थर्मोडायनेमिक्स, एंड द एडिशनल वन ब्रांच इज एस्ट्रोनॉमी आल्सो। सो बच्चों, हमारे जो क्लास 9th में है वो मैकेनिक्स हैं। जितने भी चैप्टर्स आप देखोगे, मोशन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, साउंड है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, फ्लोटेशन है, ये जो सारे चैप्टर हैं वो आपकी मैकेनिक्स ब्रांच के अंडर स्टडी किए जाते हैं। सो देखिए मैकेनिक्स क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कैन डील विद द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स विद ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स। मीन्स ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं नंगी आंखों से, होते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स लार्जर ऑब्जेक्ट्स, विद द ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स, जैसे कि जिस पे सारे फिजिक्स के अलावा एप्लीकेबल हों, वो है मैकेनिक्स। अंडर द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स मैकेनिक्स वी स्टडीड द मोशन, स्पीड, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, साउंड, वर्क एनर्जी, फोर्स एक्सेट्रा। हम इस ब्रांच के अंडर इन टर्म्स को स्टडी करते हैं, मोशन, स्पीड, टाइम, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, साउंड, वर्क एनर्जी, फोर्स। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट ब्रांच की, ऑप्टिक्स। इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कैन डील विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड देयर फिनोमिना, एंड ऑल्सो स्टडी ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरीस्कोप, लेंसेज एंड मिरर्स। ये जो ब्रांच है आप 8th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं, और फर्दर ये फिर 10th में और फिर +2 में पढ़ाई जाती है, और फिर ग्रेजुएशन में। तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं बच्चों,
ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइट और उससे रिलेटेड फिनोमिनाज की। अब लाइट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं और 7th में भी पढ़ चुके हैं, और इससे रिलेटेड फिनोमिनाज लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये सारे फिनोमिनाज हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं क्लास 8th में। तो सारे फिनोमिनाज इस ब्रांच के अंदर स्टडी की जाती है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पायरोस्कोप, लेंसेज और मिरर। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये भी आपका 10th क्लास में आने वाला है। इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कैन डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन और रेस्ट। इस ब्रांच में हम जो बात करेंगे चार्जेस की बात करेंगे। चार्जेस बच्चों हम जानते हैं अच्छी तरह से, क्लास 8th में हम पढ़ चुके हैं, चार्जेस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, उनकी हम स्टडी करेंगे इस ब्रांच के अंदर। एंड ऑल्सो स्टडी द फिनोमिना रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी लाइक पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे फिनोमिनाज हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। सो बच्चों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ब्रांच को, थर्मोडायनेमिक्स। इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कैन डील विद स्टडी ऑफ टेम्परेचर एंड रिलेटेड फिनोमिनाज। दैट मीन्स इसमें हम टेम्परेचर और टेम्परेचर से रिलेटेड फिजिकल फिनोमिनाज को स्टडी करते हैं, जैसे वर्किंग ऑफ हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हमारे जो फ्यूल इंजन है वो कैसे वर्क करते हैं, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है, एयर कंडीशनर कैसे वर्क करता है, वो सारा हम इसी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। सो बच्चों अपनी जो नेक्स्ट फर्दर ब्रांच आती है, सब ब्रांच आती है एस्ट्रोनॉमी। ये हम क्लास 8 में बच्चों अच्छी तरह से पढ़ के आ चुके हैं इसके बारे में, स्टार एंड सोलर सिस्टम चैप्टर में। इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कैन डील विद द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड यूनिवर्स। इसमें हम ब्रह्मांड के सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट्स, मेट्रोइड्स, एस्टेरॉइड्स एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट इज अ न्यूक्लियर फिजिक्स, इट इज़ ऑल्सो अ सब ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कैन डील विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस एंड इंटर न्यूक्लियर फिनोमिना। इसमें हम बच्चों बात करेंगे एटम की न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के अंदर लगने वाली फोर्सेस के बारे में, वो सारी जो स्टडी है, और न्यूक्लियर रिएक्शन जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में देखते हैं, वो सारी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर स्टडी की जाती है। सो बच्चों अपने जो चैप्टर हैं वो देखिए कौन कौन से हैं क्लास 9th में जो आने वाले हैं, मोशन चैप्टर, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी। अब इसमें देखिए 2 चैप्टर आपके डिडक्ट हो चुके हैं, एक तो फ्लोटेशन वाला जो पार्ट है वो इस बार सिलेबस में नहीं आ रहा है, और साउंड वाला जो चैप्टर वो डिडक्ट हो चुका है। तो हम इन चैप्टर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है। सो हम जो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो चैप्टर मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। सो बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट रहने वाला है, वो रहने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, मोशन क्या है और मोशन के बारे में उसकी डेफिनेशन और उसके बारे में, देन टाइप्स ऑफ मोशन, और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। सो बच्चों आज के कॉन्सेप्ट में हम 3 टर्म्स कवर करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सो विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बात करते हैं मोशन के बारे में। इट इज़ डिफाइंड एज अ चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसा कि हमने देखा डेफिनेशन क्या कह रही है, इट इज़ डिफाइंड एज चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी। देखो फिजिक्स में हम जो भी थिंग्स हैं उनको क्या कहेंगे, या तो ऑब्जेक्ट कहेंगे या बॉडी कह के चलेंगे, फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर पोजिशन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो शुरुआत में तो कहीं था, मान लो कोई कार है वो शुरुआत में तो कहीं थी, और उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में वो यहाँ आ जाती है, आफ्टर टाइम टी एक नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाती है। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, जितना टाइम के अंदर ट्रैवल किया, उसने क्या किया, मोशन किया। ठीक है, जैसा कि हमने एग्जांपल में भी शो कर रखा है, अ कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम इनिशियल ए टू फाइनल बी पॉइंट। देखिए बच्चों इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, शुरुआत में जहाँ थे, फाइनल का मतलब जहाँ एंड में जहाँ जा रहे हैं वो फाइनल होता है अपना, फाइनल पॉइंट बी, आफ्टर सम टाइम हैंस वी से कार डू द मोशन। तो हम कह सकते हैं कि कार ने मोशन किया, शुरुआत में वो पॉइंट ए पर थी, उसके बाद में वो कहाँ चली गई, पॉइंट बी पर चली गई। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है रिलेटिव मोशन की डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन है, रिलेटिव मोशन की डेफिनेशन है। रिलेटिव मीन्स दूसरे के साथ कंपेरिजन। अब यहाँ हम जो कंपेरिजन करेंगे वो रेस्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ करेंगे, रेस्ट मीन्स जो ऑब्जेक्ट रुके हुए हैं, जो कभी नहीं चल रहे हैं। सो देखिए बच्चों डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज अ चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसी रुकी हुई चीज़ के कंपेरिजन में जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन को चेंज करता है तो उसने मोशन किया है। क्लियर बच्चों,
बात करते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखो मैंने यहाँ भी आपको हाईलाइट भी कर रखा है द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे होने कहते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो आपको एग्जांपल से शायद ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अ कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड चेंज देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ट्री विच इज़ असाइड द रोड। कार जो है अपनी पोजिशन को चेंज कर रही है, डायग्राम में देखें कार अपनी पोजिशन को चेंज कर रही है ट्री की रिस्पेक्ट में, जो कि स्टेशनरी रोड की साइड में ट्री लगा हुआ है। जैसे हम देखते हैं रोड पे कहीं ट्रैवल करते हैं कार या बस में, तो हम देखते हैं कि ट्री जो है वो वहीं फिक्स है, बट कार उसके रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, मोशन कर रही है। सो बच्चों इस टाइप के मोशन को हम कौन सा मोशन कहते हैं, रिलेटिव मोशन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। वेन वी सी द बॉडी इज रेस्ट और स्टेशनरी, कैसा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। देखो इसमें सिचुएशन पूछी गई है, कब हम कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या स्टेशनरी है, नहीं चल रहा है। व्हेन द बॉडी और ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ एट ए रेस्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम उसके लिए जीरो है, वो चेंज नहीं कर रहा है, वहीं खड़ा है, टाइम चाहे बीतता जा रहा है बीतता जा रहा है, घंटे दर घंटे बीतते जा रहे हैं, जैसे अपने हाउसेज हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टेशनरी होगा, अपना घर के रेस्ट पे होगा। सो बच्चों डिस्कस करें नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए फ्लो चार्ट को अच्छी तरह से। मोशन, मोशन क्या है, मोशन के टाइप्स, मोशन की हमने डेफिनेशन समझ ली। जो मोशन है वो बेसिकली चार टाइप्स का है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन। फिर इसके फर्दर टाइप्स हैं। ट्रांसलेशनल मोशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन। एंड पीरियोडिक मोशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रेवोल्यूशनरी मोशन एंड ऑसिलेटरी और सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड सम अदर टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। देखो मोशन के कुछ और टाइप्स भी हैं जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग का मीन्स क्या है, कैसी उसकी डायरेक्शन है, वन डायमेंशन, वन डायरेक्शन के लोग, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। फिर आता है जो हमारे सिलेबस में है वो ये वाला है, यहाँ से हमारे सिलेबस में स्टार्ट होगा, अकॉर्डिंग टू स्टेट, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो बच्चे डिस्कस करते हैं पहले ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन विच द ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स द सेम डिस्टेंस इन द गिवन टाइम इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन। जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि एक सेम टाइम के अंदर उस बॉडी के सारे पार्ट्स सेम डिस्टेंस ट्रेवल करें सेम टाइम के अंदर। अब ऐसा ना हो कि मान लो जैसे कोई गाड़ी चल रही है, ऐसा ना हो कि उसके पीछे वाला हिस्सा पीछे रह जाए और आगे वाला हिस्सा आगे निकल जाए। दैट मीन्स जब गाड़ी चलेगी तो उसके सारे पार्ट्स, आगे वाला हिस्सा जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आगे वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में उतना ही ट्रेवल करेगा, और पीछे वाले के रिस्पेक्ट में भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेम टाइम के अंदर। उस टाइप के मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे बर्ड फ्लाई इन अ स्काई, अब जो बर्ड है बच्चों वो उड़ रहा है स्काई में, ऐसा तो नहीं है कि उसका उसकी जो पूंछ है वो पीछे रह गई और बीक है वो पार्ट आगे निकल गया हो, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि उसके सारे के सारे जो पार्ट है टोटल बर्ड मूव करता है। दैट मीन्स उसके आगे वाले फ्रंट के रिस्पेक्ट में उसका फ्रंट और बैक के रिस्पेक्ट में बैक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस मूव करते हैं। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। यहाँ देखिए एक और एग्जांपल से आपको और अच्छी क्लियर से हो जाएगा। मोशन ऑफ द कार ऑन रोड, एक कार चल रही है मोशन कर रही है रोड पे। व्हेन द कार मूव्स ऑन रोड देन द ऑल पार्ट्स ऑफ द कार मूव सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम। यहाँ से देखिए बच्चों डायग्राम में आपको क्लियर होगा, आगे वाले बोनेट को देखिए, आगे वाले बोनेट से आगे वाला हिस्सा यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या रहने वाला है, सेम, और पीछे वाले हिस्से से पीछे वाले हिस्से का जो डिस्टेंस है वो क्या रहने वाला है, सेम सेम टाइम के अंदर। अब ऐसा तो नहीं है कि आगे वाला हिस्सा ज़्यादा दूर चला जाएगा पीछे वाले के कंपैरिजन में, तो ये जो डिस्टेंस गैप है ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, और सारे बॉडी के पार्ट, कार के जो टोटल पार्ट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इक्वल टाइम में, पीछे वाले के रिस्पेक्ट में, आगे वाले के रिस्पेक्ट में। अब बच्चों इसका टाइप फर्दर जो सब डिवीजन था ट्रांसलेशन मोशन वो डिस्कस करते हैं। इसमें बच्चों फर्स्ट आता है जो इंपॉर्टेंट भी है, रेक्टिलिनियर मोशन, ऐसे कहते हैं लीनियर मोशन, ऐसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में चलता है, एक स्ट्रेट पाथ में चलता है, एक सिंगल डायरेक्शन में चलता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडर द ट्रांसलेशनल मोशन मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और ट्रेवल द लीनियर पाथ देन इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन। जब बच्चों कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है और ट्रांसलेशनल मोशन करते हुए, कौन सा मोशन करते हुए, ट्रांसलेशन, दैट मीन्स ऑल पार्ट्स आर मूविंग द सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम। अ कार मूव्स ऑन स्ट्रेट रोड, जैसे हमने देखा है कि गाड़ी चल रही है सीधे रोड पे चलती जा रही है और ट्रांसलेशन टाइप का मोशन करी, वो भी सीधी लाइन में, एक सिंगल डायरेक्शन में। दूसरा एग्जांपल देखिए, एन एंट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, जो चींटियों का जो झुंड है वो एक सीधी लाइन में दीवार पे चल रहा है, तो वो भी उसका स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। फिर बच्चों बात करते हैं कर्वी लीनियर मोशन, नाम से पता चल रहा है कर्व यानी कि टेढ़ा मेढ़ा।
व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द ट्रांसलेशन मोशन अलोंग द कर्व्ड पाथ, यानी कि बच्चों जब वो कर्व्ड पाथ में चले, यानी पाथ उसका क्या हो, कर्व्ड पाथ हो, जब कोई कर्व्ड पाथ में चले या ऐसे कोई पाथ चले, ये जो पाथ है टू डायमेंशन में चला जाता है और कर्व्ड पाथ होता है, और उसका मोशन होना चाहिए ट्रांसलेशन, यानी कि सारे पार्ट्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने चाहिए। जैसे कि क्रॉलिंग मोशन ऑफ स्नेक, सांप का जो रेंग कर चलना है, उसमें भी क्या होता है, कर्वी लीनियर मोशन होता है, क्योंकि वो टू डायमेंशन में चलता है। देखो सीधे तो चल ही रहा है, लेकिन लेफ्ट और राइट में भी अपने आप को मूव करता है। देखो यहाँ पे ये ऊपर भी गया, नीचे भी गया, ऊपर भी गया, नीचे गया, लेकिन फ्रंट में भी मूव कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को आप कहते हैं कर्वी लीनियर मोशन। अ स्टोन थ्रोन इन एयर और सम एंगल, जैसे हम बॉल वगैरह या स्टोन को थ्रो करते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ में, ये जो पाथ है इस पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ किया जाता है। मान लो आपने यहाँ से बॉल को फेंका और इस पाथ को ट्रैवल करता हुआ गया बॉल, ठीक है, तो ये भी कैसा मोशन हो जाएगा आपका, कर्वी लीनियर मोशन एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, अ कार टेकिंग टर्न टू ओवरटेक ऑन रोड। अब कोई कार है, आपने देखा होगा हाईवे पे कोई गाड़ी चल रही है तो ओवरटेक कर रही है, अब वो कार इधर से चली, फिर इधर चली, फिर इधर चली, इसी तरह से वो चल रही है, तो उसका मोशन भी कैसा है बच्चों, कर्वी लीनियर मोशन है। सो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन पे, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। रोटेशनल मोशन, नाम से पता चल रहा है रोटेशन, दैट मीन्स रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स एक्सिस, एक फिक्स एक्सिस के अराउंड अपने आप को घुमाना, रोटेशनल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट एन एक्सिस एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट मूव बाय द डिफरेंट डिस्टेंस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड रोटेशन मोशन। सो बच्चों यहाँ पे देखो, अभी ट्रांसलेशन में हमने क्या डिस्कस किया कि सारे पार्ट्स सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे सेम टाइम में, बट रोटेशनल में ऐसा नहीं होगा। रोटेशन में अलग अलग पार्ट पॉइंट पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल होगा। जैसे बच्चों आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा, इस एग्जाम्पल में देखिए हमने एक रोटेशनल आपका जो है झूले का एग्जाम्पल लिया, घूमने वाले मैरी गो राउंड जिसे हम कहते हैं, मैरी गो राउंड का एग्जाम्पल लिया है। तो मैरी गो राउंड पे यहाँ पर देखिए तीन पॉइंट मैंने डिनोट किए हैं, ए बी और सी। अगर हम इसका पाथ डिनोट करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि कभी बॉडी सर्कल में जब मूव करती है उसका पाथ क्या होता है, उसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है। सो यहाँ पे देखिए बी पॉइंट की सर्कमफ्रेंस एज कम्पेयर टू सी एंड ए पॉइंट ज़्यादा है। सो जो बी पॉइंट के पार्टिकल्स हैं उन्होंने क्या किया, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ए पॉइंट के पार्टिकल ने सेम टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो रोटेशन मोशन में बच्चों ऐसा ही होता है कि जो जो पास वाला पॉइंट है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जैसे एक और एग्जांपल हमने दे रखा है, द रोटेटिंग ब्लेड ऑफ विंडमिल। विंडमिल क्या होती है, पवन चक्की होती है। तो आप उसके देखोगे या अपना घर में आप सीलिंग फैन की बात कर सकते हो, सीलिंग फैन में भी आपने देखा होगा जो ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स का जो एंड है और जो मोटर के पास वाला एंड है उसके कंपैरिजन में कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जो एंड वाला पॉइंट है वो ज़्यादा डिस्टेंस करेगा और जो उसके नियर पॉइंट है, मोटर के जो नियर पॉइंट है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो आई होप बच्चों आपको ये समझ आ रहा होगा। पीरियोडिक मोशन, आगे बात करते हैं पीरियोडिक। नाम से पता चल रहा है कि पीरियोडिक दैट मीन्स रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, एक फिक्स टाइम बाद अपने आप को रिपीट करना। जैसे कि स्कूल की टाइमिंग होती है, हमें पता है कि स्कूल सुबह जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पे लगेगा, उसी के बाद में डिस्पर्सल जो टाइम है उसी टाइम डिस्पर्सल होने वाला है, ठीक है। तो उसका एक पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब हफ्ते के छः दिन स्कूल लगेगा तो लगेगा, वो एक पीरियोडिक है। सेम ऐसा ही पीरियोडिक की बात करते हैं, अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद में रिपीट करना। जैसे अर्थ के मोशन की हम बात करें, अर्थ अपने मोशन को 365 डेज के बाद में सन के अराउंड अपने आप को रिपीट करती है, ठीक है बच्चों। तो डेफिनेशन में क्लियर हो रहा होगा, द मोशन विच रिपीट इट सेल्फ आफ्टर अ रेगुलर और फिक्स और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। रोटेशनल मोशन ऑन अर्थ, एग्जाम्पल देखिए, रोटेशन मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस रिपीट इट सेल्फ आफ्टर 24 आवर्स, जैसे डे और नाइट का बनना हम कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स में। सो उसका जो रोटेशनल पीरियोडिक टाइम है वो क्या है, 24 आवर, अपने आप को सेम चीज़ को रिपीट करती है, डे के बाद डे फिर से रिपीट होता है आफ्टर 24 आवर्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए बच्चों, नीडल्स ऑफ क्लॉक, जो घड़ी है, घड़ी की सुइयाँ, सेकेंड हैंड क्लॉक, सेकेंड वाली सुई एक पूरा चक्कर काटने में 60 सेकेंड का टाइम लेती है, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में 60 सेकेंड का टाइम लेती है, और मिनट हैंड क्लॉक है वो 60 मिनट का टाइम लेती है, और आवर हैंड क्लॉक है वो 12 आवर्स का टाइम लेती है। तो ये अपने आप को फिर एक रेगुलर इंटरवल के बाद में रिपीट करते। तो अगर बात करें आवर हैंड क्लॉक की, आवर हैंड जो नीडल है वो क्या करेगी, 12 घंटे बाद में अपने आप को रिपीट करेगी, और मिनट वाली 60 मिनट के बाद में, और सेकेंड वाली 60 सेकेंड के बाद में। सो बच्चों नेक्स्ट है अपना, इसी का सब पार्ट है पीरियोडिक का, रेवोल्यूशनरी मोशन, जैसे मैं अभी डिस्कस करके आ चुके हैं प्लैनेट्स का मोशन है और किसी भी सैटेलाइट का मोशन है, वो सारे क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड। जैसे अर्थ का पीरियोडिक मोशन है रेवोल्यूशनरी पाथ में 365 डेज, 365 दिनों बाद में अपने आप चक्कर को कंप्लीट करती है सन के अराउंड।
फिर बच्चों अपना जो नेक्स्ट आता है वो कहता है ओसिसलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन. ओसिसलेटरी, सिंपल हार्मोनिक और वाइब्रेटरी मोशन. द मोशन इन विच द बॉडी इज सस्पेंडेड और हैंग्ड अबाउट अ फिक्स पॉइंट एंड द रिपीट इटसेल्फ मोशन आफ्टर फिक्स इंटरवल. देखो है ये पीरियोडिक टाइप का, इसमें भी क्या करेगा वो अपने आप को रिपीट करेगा एक फिक्स इंटरवल के बाद में. जैसे कि आप देख पा रहे हो, मान लो मैंने एक रबर बैंड को स्ट्रेच किया, यहाँ से बांध दिया, यहाँ से बांध दिया, फिक्स कर दिया. उसके बाद मैं इसे स्ट्रेच करता हूँ, ऊपर से खींच के छोड़ता हूँ, यहाँ से मैंने इसे खींचा, खींचने के बाद फिर से नीचे आएगा, फिर अपने आपको बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा. इस टाइप के मोशन को बच्चों कहते हैं पीरियोडिक मोशन कहेंगे और ओसिसलेटरी मोशन कहेंगे. और दूसरा एग्जाम्पल आपके पास आता है सिंपल पेंडुलम का. पेंडुलम आपने नाम जरूर सुना होगा. फिक्स पॉइंट उसमें क्या है, जैसे आपने घड़ी में देखा होगा, जो घड़ी होती है घड़ी के अंदर नीचे पेंडुलम लगा होता है, ऐसे ये इधर से इधर मूव करता रहता है, ये होता है पेंडुलम. इस तरह से आप इसको देखोगे, इसके जो जिस धागे से या जिस रस्सी से या जिस स्ट्रिंग से बंधा होता है उसे बोलते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. जिस लंबाई से बंधा होता है उसे बोलते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. और ऊपर से एक फिक्स होता है और नीचे इसका जो लटक रहा होता है मास, उसको हम कहते हैं बोब कहते हैं. तो पेंडुलम में बच्चों देखिए तीन चीज़ों को ध्यान आपको रखना है, इसकी एक्सट्रीम पोजिशन का. एक्सट्रीम पोजिशन जब यह मैक्सिमम हाइट पर जाता है उसे बोलते हैं एक्सट्रीम पोजिशन. जब ये मिडिल में होता है, एकदम स्टार्टिंग में होता है, उसे बोलते हैं मेन पोजीशन. जब ये मेन से एक्सट्रीम जाएगा फिर एक्सट्रीम से मेन वापस आता है, तो अपने आप को देखो यहाँ से मानो अपन ने छोड़ा उसे, पहले यहाँ से छोड़ा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ वापस आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया. इसी तरह से अपने आप को क्या करता है, बार बार इस मोशन को रिपीट करता है. जैसे अब बात करते हैं मोशन ऑफ स्विंग, जो स्विंग वाला जो झूला होता है अपना, उस झूले में भी हम क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं. अभी आपने देखा होगा तीज आई थी, तीज के ऊपर झूले झूले होंगे, तो उस झूले में हम क्या करते हैं, पीछे की ओर फिर आगे की ओर, पीछे आगे, ये मेन पोजीशन हो जाती है. जब हम पीछे की ओर जाते हैं और आगे की ओर आते हैं तो वो एक्सट्रीम पोजीशन बन जाती हैं. क्लियर है बच्चों? इस टाइप के मोशन को हम कौन सा मोशन कहते हैं, ओसिसलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. फिर बच्चों हमारा फर्दर टाइप आता है नॉन पीरियोडिक मोशन. नाम से क्लियर हो रहा है, जो अपने आपको एक रेगुलर इंटरवल के बाद में रिपीट ना करे वो सारे क्या होंगे, नॉन पीरियोडिक मोशन. बच्चों देखो कोई भी वन डायरेक्शनल मोशन, हम जब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं वापस वहाँ जा नहीं रहे हैं एक फिक्स टाइम के बाद में, तो उस टाइप के मोशन सारे क्या हो जाएंगे, नॉन पीरियोडिक मोशन हो जाएंगे. फिर बच्चों बात करते हैं मोशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन. अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन मोशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. फर्स्ट है वन डायमेंशनल मोशन. जब हम किसी भी एक डायरेक्शन को, फिक्स डायरेक्शन को स्ट्रेट पाथ में हम चलते हैं, तो हमारा मोशन क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन हो जाता है. कैसा मोशन हो जाता है, वन डायमेंशनल मोशन. जब हम अप डाउन भी चलते हैं और आगे भी चलते हैं, जैसे हम जंप करके चल रहे हैं, ठीक है, जैसे हम सैक रेस में चलते हैं, तो उसी तरह से हम जंप भी कर रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं. या हम कर रहे हैं बास्केटबॉल प्ले कर रहे हैं, तो बास्केटबॉल खेलते टाइम बास्केट को अप डाउन भी करते हैं और आगे भी मूव करते हैं, तो इस टाइप के बच्चों मोशन को क्या हो जाएंगे, टू डायमेंशनल मोशन. देखो कैसे, हम ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, तो दो डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, वाई में और एक्स में, तो हमारे पास दोनों डायमेंशन में बढ़ने के कारण ये मोशन कैसा हो जाता है, टू डायमेंशनल मोशन हो जाता है. फिर बात करते हैं बच्चों थ्री डायमेंशनल मोशन. थ्री डायमेंशनल जो मोशन है वो क्या है, सिर्फ गैसेस पार्टिकल शो करते हैं. वो केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं गैसेस पार्टिकल को, जब उसे क्लोज सिलेंडर में फिल कर दिया जाता है तो उसके पार्टिकल्स रैंडमली तीनों डायरेक्शन में मूव करते हैं. सपोज ये गैस पार्टिकल है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, यानी कि तीन डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकता है, इसलिए इसे बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन. सो बच्चों आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा. अब हमारा जो सिलेबस का मेन पार्ट है डेफिनेशन ऑफ मोशन के बाद में, डेफिनेशन ऑफ मोशन भी सिलेबस में, उसके बाद में यहाँ से हमारा पार्ट सिलेबस से स्टार्ट हो जाता है. मोशन अकॉर्डिंग टू स्टेट. फर्स्ट बात करते हैं बच्चों यूनिफॉर्म. आपको यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा. यूनिफॉर्म मीन्स सिमिलैरिटी, एक जैसा दिखाई देना. क्लियर? यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट मीन्स बच्चों डिस्टेंस का इंटरवल भी फिक्स रहे और टाइम का इंटरवल भी फिक्स रहे, उस टाइप के मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन. जैसे देखो बात करते हैं, हमने अपनी बाइक को स्टार्ट किया घर से और हर एक किलोमीटर को हर एक 10 सेकंड में पूरा कर रहे हैं, हर एक किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं हर एक 10 सेकंड में. यानी पहले फर्स्ट किलोमीटर अपन ट्रैवल किया इन 10 सेकंड, फिर नेक्स्ट फर्स्ट टू सेकंड गए फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में, फिर सेकंड टू थर्ड गए नेक्स्ट 10 सेकंड में, इसी टाइप से अपन चल रहे हैं, तो हमारा जो मोशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म टाइप का मोशन होगा. और स्पीड भी कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म टाइप की हो जाएगी. जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, आई होप कि आपको एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर होगा स्टडी करने के बाद में. ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन. जो ग्राफ देखोगे यूनिफॉर्म मोशन का वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन, एक सीधा ग्राफ आता है. इस ग्राफ को, जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है इस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहा जाता है फिजिक्स में. फिर बात करते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ. स्लोप का मतलब ये जो लाइन है इसे स्लोप ऑफ ग्राफ कहते हैं. क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ कहते हैं. स्लोप के बारे में हम आगे वाले पार्ट में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. स्लोप ऑफ ग्राफ,
ऑफ यूनिफॉर्म मोशन गिव्स द यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो मैंने अभी बात बताई बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड देता है, क्योंकि क्लास आप बैठो बच्चों, हम क्लास सेवन्थ में भी पढ़ के आ चुके हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होती है, स्पीड होती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आर बॉडी इन यूनिट टाइम क्या होती है, हमारी स्पीड होती है। सो यूनिफॉर्म मोशन देता है, और इसका जो ग्राफ है इस बच्चों ग्राफ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। फिर बच्चों सिमिलरली क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बट यहाँ पे क्या है, चेंज क्या है, चेंज है टाइम का इंटरवल जो है वो फिक्स नहीं है, अनइक्वल इंटरवल है। कैसा है टाइम इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। ठीक है बच्चों, वहाँ पे इक्वल इंटरवल था इक्वल डिस्टेंस के लिए, बट यहाँ डिस्टेंस को इक्वल रखेंगे, अनइक्वल नहीं करेंगे। क्लियर, टाइम का इंटरवल हम अनइक्वल कर देंगे, जिससे हम देखेंगे कि बॉडी क्या कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यानी उसकी स्पीड भी क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म अलग अलग हो रही है। जैसे हम बाइक चला रहे हैं, बाइक कभी 40 की स्पीड पे चल रही है, कभी 60 की स्पीड पे चल रही है, कभी 30 की स्पीड पे चल रही है, तो हम देखेंगे कि अलग अलग जो डिस्टेंस है वो हर एक किलोमीटर में टाइम अलग अलग लग रहा होगा। जो पर किलोमीटर हम देखेंगे जो ट्रैवल करने में हमारा जो टाइम है वो डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। सो बच्चों इसी टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और इस टाइप के जो ग्राफ आते हैं उन ग्राफ को कहते हैं कर्व्ड ग्राफ कहते हैं। कौन से ग्राफ कहते हैं, कर्व्ड, जो स्ट्रेट लाइन नहीं होते। सो हम देख सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड ग्राफ है, और इसका जो स्लोप है वो भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर बच्चों, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ये भी आपके सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच नीड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन। वो क्वांटिटीज़ बच्चों जिन्हें सिर्फ अमाउंट की जरूरत होती है एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे हम बात करते हैं स्पीड, की द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच नीड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन, जो सिर्फ तो बच्चों बात करते हैं आगे, फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन, दे डो नॉट नीड एनी डायरेक्शन फॉर रिप्रेजेंटेशन। ऐसी क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो देखो बच्चों बात करते हैं अमाउंट की, अभी मैं जैसे आपको बता रहा था कि इसमें कोई आपको डायरेक्शन की फिक्स करने की जरूरत नहीं है, बिना डायरेक्शन के आप इस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने अभी बात की थी स्पीड की, हम जब भी स्पीड की बात करते हैं तो कहते हैं कि कार इतनी स्पीड से रन कर रही है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है, बाइक हमारी है 90 की स्पीड से रन कर रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें देखो डायरेक्शन की आपने बात कहीं भी नहीं कही है, आपने ये नहीं कहा कि मैं फॉरवर्ड चल रहा था, नॉर्थ चल रहा था, ईस्ट चल रहा था, वेस्ट चल रहा था। इसी तरह से मास है, मास भी ऐसी क्वांटिटी हम कहेंगे, मास किलोग्राम में है, इतने किलोग्राम उस बॉडी का मास है, तो उसमें हम किसी डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। वर्क डन की बात कर रहे हैं कि फिजिक्स में वर्क डन, इतने जूल वर्क डन हुआ, तो उसमें भी हम बात नहीं करेंगे। टाइम, टाइम के लिए भी कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि एक घंटा में ईस्ट में हो गया, एक घंटा में वेस्ट में हो गया, इस तरह से हम कभी बात नहीं करते हैं। तो बच्चों वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। सो बच्चे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटीज़ होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच नीड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेशन। अच्छा बच्चों बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें देखो डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना अमाउंट है और डायरेक्शन क्या है। दे नीड द डायरेक्शन फॉर रिप्रेजेंटेशन लाइक फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों फोर्स की बात करते हैं, फोर्स आप क्लास एट्थ में भी पढ़ के आ चुके हों। जैसे हम कहते हैं कि फोर्स, फोर्स पुश और पुल, पुश मीन्स फॉरवर्ड, पुल मीन्स बैकवर्ड। क्लियर, जैसे हम डोर को पुश करते हैं आगे की ओर धकेलते हैं और पुल करते हैं यानी पीछे की ओर खींचते हैं, तो उसके लिए देखो बच्चों आपको डायरेक्शन चाहिए। आपने कहा कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया डोर को पुश करने में, क्लियर, तो उसमें आपने डायरेक्शन बताई, पुश का मतलब डायरेक्शन। अब आप कहने मैंने किसी बैग को उठाना है, कैरी बैग को उठाना है, पुल इट अपवर्ड, पुल इट अपवर्ड, जिसे मैंने कैरी बैग को उठाया ऊपर की तरफ, ये मेरे पास कोई कैरी बैग है, कैरी बैग को मैंने उठाया अपवर्ड, तो अपवर्ड मीन्स मैंने कहा कि 10 न्यूटन फोर्स लगा के मैंने इसे ऊपर की ओर उठाया, तो देखो बच्चों डायरेक्शन आ गई इसकी। तो बिना डायरेक्शन इन क्वांटिटीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते, वो क्वांटिटीज़ होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ कौन सी होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। इज इट क्लियर, ओके। इसी तरह से वेलोसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सारी क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द हेडेड एरो, एक सिर वाली एरो की थ्रू से यहाँ पे से रिप्रेजेंट करते हैं हेडेड एरो। इसके बच्चों दो पार्ट होते हैं, जो टेल पार्ट होता है वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, यानी कितनी फोर्स, कितनी ये चीज़ें लग रही हैं। हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। हेयर द हेड वेक्टर शो द डायरेक्शन, टेल शो द मैग्नीट्यूड। क्लियर, बट हमें हर बार इतनी बड़ी एरो लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन करेंगे आपके जो भी है साइन है फिजिकल क्वांटिटी उसके ऊपर, नोटेशन के ऊपर। अब बात करते हैं बेटो कुछ नोट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में जो हमारे लिए जरूरी है जानना।
एंगल बिटवीन टू पैरल लाइन्स गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इज जीरो। जो एंगल है दो पैरल लाइन, जब भी वो सेम डायरेक्शन की पैरल लाइन्स हैं, दो पैरल लाइन के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, जीरो डिग्री होने वाला है। कितना होने वाला बच्चों, जीरो डिग्री, ठीक है। और दो एंटी पैरल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, जब दो लाइनें अपोजिट में जाती हैं, अपोजिट टू ईच अदर, देन एंगल इज 180 डिग्री बिटवीन देम। दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इसी वजह से हम अपोजिट डायरेक्शन के साइन को क्या लेते हैं, नेगेटिव। ये तो आपको बखूबी पता होगा कि इधर जाते हैं राइट हैंड जाएंगे तो पॉजिटिव होगी डिस्टेंस, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे नंबर लाइन पे तो नेगेटिव, अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव होगा। सो बच्चों आज का लेक्चर यहीं ओवर होता है और आपके डाउट्स हम लेंगे कंसल्ट में।